बैक टू बैक मैं सिर्फ उस वेंट की आवाज़ सुनती थी और उसमें मुझे मेरी मदर की सांसों की आवाज़ें सुनाई देती थी एंड आई लिटरली काउंटेड एवरी ब्रीथ दैट माई मदर टुक। और मुझे हमेशा ही होता था कि कैसे सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है। वो वेंट एक तरह से मेरी मदर से मेरी बात करने का कम्युनिकेशन का ज़रिया था। एंड सेम थिंग हैपेंड विद माई फादर, जब वो वेंट की आवाज़ रुकी तो मुझे ऐसा लगा कि अब मतलब उनका और मेरा कनेक्शन जो एक है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है और मैं एक टीम लीड हूँ, सुपरवाइज़र हूँ वादा डिजिटल में। कहने को इट्स लाइक हम सबकी लाइफ में बड़ी स्मूथ जा रही होती है, बट हम सबकी लाइफ में एक स्टेज आता है जब आपका होल वर्ल्ड जो होता है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। मेरी वालदा जो है वो डायलिसिस पे हो गई, बोथ हर किडनीज फेल एंड आई लॉस्ट हर। लेकिन दैट टाइम माई फादर सपोर्टेड मी अ लॉट, वो एक तरह से हीरो ही रहे और अम्मी भी बने और अब्बू भी बने। COVID-19 ने हम सबकी लाइफ में एक मेजर इफ़ेक्ट किया, हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई और बहुत सारे लोगों को हमने खोया। वैसे ही मेरी फैमिली के साथ भी हुआ, वी आर अनअवेयर ऑफ दैट, बट माई होल फैमिली गॉट अफेक्टेड फ्रॉम कोविड। और ऑब्वियसली सिर्फ अब्बू थे, मेरे साथ मेरा एक यंगर ब्रदर होता है, छोटा है, तो उन्होंने ही हमारा ख्याल रखा। ऑल्दो वी नो कि हमें वी शुड स्टे अपार्ट, सारे हॉस्पिटल्स में जो है बेड्स अवेलेबल नहीं थे, नो वन लाइक देयर फॉर यू, कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं होता था, हर किसी को ये डर होता था कि कोविड उसे ना हो जाए। एंड देन माई फादर गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड विद इन 2 days आई लॉस्ट माई फादर टू। इवन मैं कोविड रिकवर्ड भी नहीं थी, आई वॉज स्टिल फेसिंग द ऑल द थिंग जो कोविड के सिम्टम्स होते हैं। एंड द डॉक्टर आस्क्ड मी टू साइन अ पेपर कि आपने डिसीजन लेना होगा कि आपने अपने फादर का वेंट रिमूव करना है या नहीं। सो एक महीने तक मैंने अपनी मदर को भी उसी वेंटिलेटर पे सब कुछ होते हुए देखा था और मेरे फादर ने मुझे बहुत हद तक हेल्प की थी उस चीज़ को ओवरकम करने में, और वही चीज़ मेरे साथ दोबारा हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे साथ मेरा छोटा भाई है एंड और मुझे उसको देखना है, और मैं ही अब उसके लिए जो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि नाउ आई एम योर मदर एंड आई एम योर फादर, सो आई हैव टू बी देयर फॉर माई ब्रदर, और मुझे ही उसकी अम्मी भी बनना है, बहन भी बनना है और अब्बू भी बनना है समटाइम्स, बिकॉज उसके लिए कोई तो रोल मॉडल या रोल फिगर होना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, रातों को सोना मुश्किल था, स्लीप पैरालाइज हो जाता था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब भी आँखें बंद करती थी वेंट की आवाज़ सुनाई देती थी। एंड दैट टाइम माई ब्रदर सपोर्टेड मी अलॉट, ही फाइंड्स आउट कि माई सिस्टर नीड हेल्प, कुछ तो ऐसा मसला है कि वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और वो मुझे बता भी नहीं पा रही है। उसने मुझे गाइड किया डेट यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू लाइक अपने आप को देखना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है हम दोनों ने। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि वो जब छोटा होकर इस चीज़ को समझ सकता है तो मुझे तो ओवरकम करना है इस चीज़ को। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स, द पीपल हेयर आर सो नाइस, दे हेल्प मी इन माई ग्रोथ। ना सिर्फ मुझे एक इन्होंने मेंटली सपोर्ट किया बल्कि मुझे लिटरली मेरे सीनियर्स ने हर चीज़ सिखाई। और फिर जब आपको इतना सपोर्टिव माहौल मिलता है तो आप में खुद ब खुद एक करेज आ जाती है, और वो करेज मुझ में आई और मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और मैं अपने भाई को पढ़ा भी रही हूँ, वो भी जॉब करता है, मैं भी जॉब कर रही हूँ, वी आर रनिंग आर फैमिली और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हैं। परेशानियां तो आएंगी और आती रहेंगी, बट ये है कि अब हम मेंटली स्टेबल हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं, अब हमने चुप नहीं रहना है, हमने सोसाइटी को फेस करना है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इफ़ यू थिंक कि यू नीड हेल्प तो उसके लिए यू नीड टू स्पीक अप, आपको बोलना ज़रूरी है, क्योंकि खामोश रह के उस चीज़ को बर्दाश्त करना वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाती जाती है और एट दी एंड आपका वजूद ख़त्म होता जाता है।